हेलो एंड वेलकम लवली पीपल। मैंने सोचा कि आज का हम शो शुरू करें थोड़ा सा आराम करने के बाद। तो आज के शो के लिए हम लोगों ने एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी चूज़ की है। अब वो रेसिपी क्या है? वे बेसिकली मेकिंग क्रैकलिंग फिश बर्गर्स। इसके अंदर 2 से 3 आइटम बड़ी अच्छी कोटिंग के साथ फ्राई होंगे, डिलिशियस तरीके से हम उसको कोट करेंगे और फिर हम इस खूबसूरत व्यू के साथ उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आज की रेसिपी बहुत आसान है। इस रेसिपी के अंदर हमने जिस ओशन को देखना है उसी से हमने टेस्ट लेना है और उसी से हमने उसको प्रॉपर तरीके से असेंबल करके आपके सामने सर्व करना है। तो मेरा ख्याल है कि आज की इंजॉयमेंट काफ़ी हो गई है। लेट्स गेट कुकिंग। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की है। वे बेसिकली मेकिंग अ फिश बर्गर। अब आपने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके आपने फ़िश बर्गर्स खाए होंगे, मगर आप सोचते होंगे बर्गर बनता कैसे। आज ये मेरा काम है कि वी आर टीचिंग यू हाउ टू मेक अ फ़िश बर्गर ऑन द बीच। अच्छा, सबसे पहले आपने करना कि आपने फ़िश फिले लेना है और आपने कोशिश ये करनी है कि फ़्रेश होनी चाहिए। उसको बोलिएगा जो आपका माहीगीर है, जो बेसिकली आपका फ़िशरी का बंदा है, कि इसको बोनलेस कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने इन्ग्रीडियंट्स लेने हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो फ़िश के ऊपर कोटिंग होती है, चिकन के ऊपर कोटिंग होती है, उसमें स्वाद, उसमें फ्लेवर क्यों आता है? उसमें फ़्लेवर इसलिए आता है बिकॉज़ वो सिर्फ और सिर्फ आटे में नहीं डिबोया जाता, उस आटे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं जिससे एक फ़्लेवर प्रोफाइल जो है पूरी की पूरी डिवेलप होती है। अच्छा, सबसे पहले हमने करना कि आपको इन्ग्रीडियंट्स बताने हैं। सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, गार्लिक पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे, पेपरिका इस्तेमाल करेंगे, वाइट पेपर इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे गर्किन्स। गर्किन्स नहीं अगर आपके पास तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिकल्स ऑल्सो। फिर आपने फ्लावर इस्तेमाल करना है, मगर इस्तेमाल करना है आपने मैदा आटा। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है मेयोनीज़, सम ग्रीन चिलीज़ जो कि तकरीबन सिरके में डिबोई हूँ, जिसको आप लोग पिकल्स भी कहते हैं, और फिर इस्तेमाल करेंगे आप मस्टर्ड। वेजिटेबल्स में हमने आइसबर्ग इस्तेमाल करनी है। पैकेट के अंदर मैंने छुपा के रखा हुआ है रॉकेट लीफ को, और आपने साथ साथ बंस इस्तेमाल करने हैं। इस रेसिपी के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा चिली सॉस बेक पार्लर का। साथ साथ आपको मैं एक चीज़ बता चलूँ, आपने इसका बैटर बनाना है सबसे पहले। एक ये रेसिपी कर रहे हैं क्रैकलिंग फिश बर्गर, और उसके बाद हम एक डिप कर रहे हैं एटॉमिक डिप। अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर रेसिपीज़ खाई हैं, सॉसेस खाए हैं, तो आज मैं आपको एक सीक्रेट डिप अनाउंस करके सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका बैटर क्रिएट करते हैं। बैटर क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए मैदा आटा। मैदे आटे में आप ऐड करेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, साथ साथ आप डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च, फिर आपने ऐड करना है गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, फिर आपने इसमें ऐड करना है वाइट पेपर। वाइट पेपर के बाद आप ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून्स ऑफ पेपरिका। पेपरिका इसमें आपने लाजमी डालना है, इससे इसका एक फ्लेवर प्रोफाइल बिल्ड होगा। और फिर आप 1 टीस्पून लेंगे और आप इसको ड्राई मिक्स करेंगे। आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो जाता। तकरीबन 15 to 20 टाइम्स इसको आपने इस तरीके से गोल घुमाना है। मिक्स तो उसमें हो जाएगा, मगर जब फ़िश इसके अंदर जाएगी तो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपको टेक्सचर मिलेगा। साथ साथ जब ये मिक्स हो जाएगा, आपने चेक करना है कि बीच में कोई पेपरिका का ग्रैन्यूल या पेपरिका कहीं जमा तो नहीं हुआ हुआ, उसके बाद आपने इसको यहाँ रख देना है। साथ साथ आपने लेनी है एक बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़, कहते हैं हम पानी, आई एम जस्ट जोकिंग विथ यू। करना ये कि आपने बेसिकली इसको डबल डिप करना है। किस लोग यूजली कहते हैं कि जी अंडे में डिबोएं और उसको डालें, आप जब अंडा लगाएंगे मछली पे या चिकन पे तो उसका फ्लेवर ही दब जाएगा। 5-star रेस्टोरेंट्स या मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट्स के अंदर किस तरीके से बर्गर की कोटिंग की जाती है मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप गौर से देखेंगे और अगर आप लोगों के लिए पकाएंगे रेसिपी, तो ट्रस्ट मी यू विल रियली हैव अ गुड टाइम एंड यू लव इट। हम थोड़ा सा सिरका लेंगे। सिरका हमने लेना है तकरीबन 2 टेबल स्पून्स। बेक पार्क का नई पैकेजिंग है, बड़ी फैंसी सी। ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर एक्चुअली। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे देखेंगे तो यूजुअली आपको ब्लू दिखेगा। नाउ आई एम लव विथ बेक पार्लर इवन मोर। अच्छा जी, साथ साथ आपने करना क्या है, इसी पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। हमने समझे इसके लिए एक बाथ बनाए, ये नहाएगा आज, ये हो जाएगा। साथ साथ आपने ऑयल लेना है फ्राइंग के लिए। अच्छा, मैं कोयले पे पका रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप कोयले के अलावा डायरेक्टली इसको चूल्हे पे ही पका सकते हैं, फ्लेवर उसमें भी आएगा, और कोयले की वजह से थोड़ा सा एडिशनल एडेड मज़ेदार फ्लेवर आता है। डीप फ्राई करना है आपने इसको, तो आप ऑयल इसके अंदर अच्छा खासा ऐड कर दें। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर अगर हम रेस्टोरेंट में होते हैं तो हम इसको रखते हैं तकरीबन, बता दूँ,
बता दूँ 156 पे, और आपने इसको फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। एक सीक्रेट बताया मैंने आपको अपने रेस्टोरेंट का, अब अगर आप चाहें तो आप अपना भी खोल सकते हैं, ठीक है। चलें, साथ साथ आपने करना क्या, आपने फ़िश को फिले की तरह इस तरीके से काट लेना है, ठीक है। पहला फिले, अब आप सोच रहे हैं पतली छुरी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये देख रहे हैं बाउंस करिए, 1 2 3, बेसिकली फिलेटिंग नाइफ है ये, फ़िश के लिए इस्तेमाल होती है, शेफ़ नाइफ जो होती है दूसरी चीज़ों के लिए। वजह की है, जब ब्लेड जितना पतला होगा उतना आसानी से मछली कटेगी, और इसका अगर आप देख सकते फाइन कट आए रेशा, ये फटेगी नहीं, मतलब चीज़ें सही से चिपकेंगी, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। फिलेटिंग नाइफ बड़ी आराम से मिल जाती है, और आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे जो बाहर के दोस्त हैं जो मिचलिन स्टार मतलब 5-स्टार रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, 50% छुरियाँ पाकिस्तान से बन के जाती हैं, सियालकोट रीजन से या गुजरांवाला, क्योंकि हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट है, हमारी छुरियाँ पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हैं। फ़र्क ये है कि हम अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप वैल्यू करें तो आपको यही छुरी तकरीबन 8 से 10 हज़ार की मिल जाती है, और अगर आप बाहर लेने जाएँ वही छुरी मेड इन पाकिस्तान आपको पता है कितने की, अराउंड $200, दैट मीन्स अराउंड कुछ भी नहीं तो 60 हज़ार रुपये की एक छुरी पड़ती है, वही जो आपको 10 की मिलती है। तो ज़रा मज़े लूटे पाकिस्तान की लोकल चीज़ों के, हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, साथ साथ मैं करूँगा क्या, मैं एक चिमटा लूँगा, ठीक है, गाना मैं नहीं गाऊँगा, मगर आपने ज़रा कोयले को हिला लेना है ताकि आप इसकी हीट को मेंटेन कर सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि इसको चेक कैसे करना है, ये 150 पे है, वन मोर ट्रिक, या तो एक चुटकी आटा डाल के देख लें, अगर आटा इस तरह फ्लोट मारेगा आप फिर एक दफ़ा देख लें, इस तरह अगर आटा डालते ही ऊपर फ्लोट करके फ्राई कर गया तो आपको आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल गया। आटा नहीं है तो एक उंगली डालें पानी में और एक इधर डालें, अगर फ़ौरन से आपको छटकार नज़र आया तब भी आपका तेल फ्राइंग के लिए तैयार है, मगर मैं कहूँगा पानी ना डालें, बिकॉज हाथ पे आएगा तो नुकसान होगा, मगर ये इमरजेंसी के लिए है अगर आपके पास फ्लावर नहीं है, देखिए फ्लावर फ़ौरन से पक जाता है। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इसको डायरेक्ट फ्लावर में ऐड करना है, और अच्छे से कोट करके आपने इसको डस्ट कर लेना है, डस्ट कर लिया उसके बाद मैं इसको साइड पे रखूँगा, डस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप ड्राई होने दें, और तकरीबन इसको आप धूप में अगर काम कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 30 सेकंड छोड़ दें ताकि आटा चिपक जाए, क्योंकि हम सिर्फ 5 से 6 सेकंड वेट कर सकते हैं, बिकॉज हम आपके लिए अभी कुक कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तपती हुई ठंडी धूप में, क्योंकि इस वक्त टॉप का सन है अगर आप रिकॉर्डिंग देखें, और मौसम ठंडा है, तो इस लाइट के अंदर आपने बड़ा मेंटेन करना होता है कुकिंग को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहले नहीं बताता था, बिकॉज आजकल हर किसी को शौक है कि वो वीडियो बनाए, अच्छी वीडियो बनाने के लिए जो काम सनलाइट में होता है वो कभी भी होम लाइटिंग में या प्रोफेशनल लाइटिंग में वो रिज़ल्ट नहीं आएगा आपका। अच्छा, वाटर में डिप करना है आपने इसको इस तरह जल्दी से, आटा उतरा नहीं है अगर आपको लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ छुप गया है, ठीक है। वापस से आप इसको इस तरह करेंगे, अच्छे से कर ले, ठीक है, एंड देन यू विल कीप इट ऑन द साइड अगेन, लेट इट ड्राई, सूखना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा डिप किया, इस तरह डिप करना है, निकाल लिया, फिर आप इसको ऐड करें इसके अंदर, कोटिंग करते जाएं इसकी, आटा डालें इसके ऊपर, प्रेस इट प्रॉपरली। अच्छा, मैं इसको अभी करूँगा आपके लिए ट्रिपल कोट, ट्रिपल कोट का मतलब है एक्स्ट्रा क्रिस्पी माई लवली पीपल, ठीक है। ऐड करें, डिप करें, एंड देन टेक इट बैक टू द फ्लावर राइट नाउ, प्लेस इट ओवर हियर एंड लेट इट रेस्ट। अच्छा, अब जो मैंने पहला फिले पकड़ा था वो सबसे नीचे है, उसको वापस से उठाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, देखें मैं वापस से डिप करूंगा तो आटा बहेगा नहीं, आटा वहीं चिपका हुआ है, ये देखें आटा चिपका है। वापस से आप इसको इसमें डाल के आप इसको कोट करेंगे फिर से, हवा काफ़ी तेज़ है आप देख सकते हो, साथ साथ आटा भी उड़ रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड, वी लव यू अलॉट, ठीक है। ट्रिपल कोटिंग के बाद आपको एक बेहतरीन क्रिस्पी फिश मिलेगी, एंड डस्ट इट ऑन द साइड, लास्ट पीस ऑफ फिश इज डन, एंड नाउ वी शुड टेक इट टू फ्राइंग। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इसको ऐसे ना समझें कि आपने इसको छोड़ ही देना है, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिश आपने एक साथ डालनी है और आपने इसको फ्राई होने देना, याद रखिएगा। अच्छा, फ़िश ऐड करने के बाद यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, प्लीज़ ज़्यादा उसको मूव नहीं करिएगा, एक दफ़ा उसको छोड़ दें आप इसके अंदर, और आप देखें ये कैसे अपना खुद ब खुद टेम्परेचर पकड़ के
कैसे अच्छे तरीके से बनता है। इसको आपने पकाना है तकरीबन 4 मिनट। जब तक ये कुक होता है हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आके मैं आपको बताऊंगा आपने करना क्या। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी आर डूइंग द बर्गर एंड द एटॉमिक डिप। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग टेस्ट ऑफ द ओशन और मैं हूँ आपका शेफ़ वासिम आखुन। बस फिश फ्राई हो गई है, मैंने कहा सोचा आपके सामने ही निकाल लें। क्रिस्पी है, रेडी है एंड इट लुक्स सुपर फन टू ईट। आप ये देखें, ज़रा नज़दीक आएंगे ना तो इसकी एक आवाज़ है, टक 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 टक। इसका ये मतलब है कि फ़िश प्रॉपरली कुक हो गई है, स्किन इसकी क्रिस्प है। इसको मैं यहीं रखूँगा ताकि थोड़ा सा इसका ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। साथ साथ हमने एक काम करना है जो कि ज़्यादा लोग नहीं करते और ना बताते हैं, हमने गर्किन लेना है। गर्किन भी आप यूज़ कर सकते हैं, गर्किन के अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिकल्स भी। इसको आप इस तरीके से फाइनली स्लाइस कर लें और हम इसको ऐड करेंगे इसी फ्लावर के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर, फिर फ्लावर के अंदर। इसको आप यहाँ रेस्ट करेंगे। मैं हर चीज़ कोशिश करता हूँ कि मैं एक एक्स्ट्रा नॉच जाऊँ, इसका मतलब है कि ज़्यादा अच्छा हो सके ताकि मेरे व्यूअर्स को मज़ा भी आए खाने में और पकाने में, ताकि कुछ नया सीखे। नया ना सीखा तो ज़िंदगी में क्या किया, मेरा एक मोटो है। एंड आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ डिफरेंट भी लग रही हों और मज़े की भी लग रही हों। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ऐसा मज़ा और ऐसा स्वाद आएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको आप ऑयल में ऐड करें इस तरीके से। गर्किन्स को हमने फ्राई किया तकरीबन 1 मिनट के लिए। इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और इसको आपने फ़िश के साथ ही छोड़ देना है ताकि एडिशनल ऑयल इसका निकल जाए। ये चीज़ हमारे बर्गर में जाएगी और बहुत ही मज़ा लाएगी ज़िंदगी में, ठीक है। साथ साथ मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। हमने बंस यूज़ करने हैं तो बन के लिए मैंने करना क्या, मैंने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कोल को हिलाना है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये रखना है और इसको मैंने गर्म होने देना है। जब तक ये गर्म हो रहा है हमें काम करते हैं, हम एटॉमिक डिप बनाते हैं। एटॉमिक डिप के लिए आपको एक बोल चाहिए। बोल के साथ साथ आप लेंगे एक फ्रेश टीस्पून और एक स्पैचुला। आप मेयोनीज ट्रांसफ़र करेंगे, जो चीज़ आप यूज़ कर लें उसको आप साइड पर रख दिया करें। हम लेंगे बेक पार्क का विनेगर तकरीबन 1 टेबल स्पून। विनेगर इज़ नॉट जस्ट यूज फॉर चाइनीज़ फूड, ये आप याद रखिएगा। विनेगर हमेशा यूज़ होता है पिकलिंग के लिए, फॉर फ्लेवर। हम कहते हैं ना एसिडिटी इन द फूड, एसिडिटी आती है विनेगर से, और बेक पार्क का विनेगर इस चीज़ को बड़े जस्टफुली अंजाम देता है। साथ साथ थोड़ा सा हॉट सॉस डालेंगे ताकि एक हमें किक मिले एटॉमिक। फिर हमने करना क्या, हमने पिकल्स लेने हैं, ग्रीन चिलीज जो पिकल ऑलरेडी हुए हुए हैं उनको हमने साइड पर रख के फाइनली चॉप कर लेना है, ठीक है। चॉप करने के बाद मैं इसको ऐड करूंगा डिप के अंदर। और फिर हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। साथ साथ एक और काम कर लेते हैं, लेट्स ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्राइड पिकल्स ऑल्सो। ये स्टेम जिसकी नहीं चाहिए आप इसको साइड पे कर दें। नाउ व्हाट डू वी नीड, वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड, तकरीबन 1 टीस्पून लेंगे। इसको ऐड करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड नाउ स्टार्ट मिक्सिंग इट। मिक्स करें स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और हम अपने बर्गर में मेयोनीज नहीं लगाएंगे, हम इसको यूज़ करेंगे ताकि एक अच्छा फ्लेवर प्रोफाइल हम डेवलप कर सकें। सो कीप मिक्सिंग प्रॉपरली। थोड़ा मुश्किल हो रहा है मिक्स करना, आपने सोचा है क्यों? ग्रीन चिली सॉलिड है, ठीक है, जब वो जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका फ्लेवर को ऐड करने में और मिक्स करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ये मैंने रख लिया। अब मैंने करना क्या है, मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज उठा लेनी है। इन ग्रीन चिलीज़ को मैं इस फ्लावर में टॉस करूँगा, ठीक है। फ्लावर में एक दफ़ा बस हम टॉस करेंगे, डस्ट करेंगे और ऑयल में ऐड कर देंगे। और भी ग्रीन चिलीज लेंगे, फ्लावर में टॉस करेंगे, थोड़ा सा इनको पानी में ऐड करेंगे।
और इसको आपने फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। जब ग्रीन चिलीज हो जाएंगे आपने इसको साइड पे निकाल के रेस्ट करना है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग द बर्गर। अच्छा, पैन ऑलरेडी हॉट है, मैं इसी का ऑयल इसमें ट्रांसफ़र करूँगा, थोड़ा सा, नॉट टू मच, कतरा कतरा कर रहा हूँ इसी के साथ। और यही मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसमें फ्लेवर ऐड हुआ है, ठीक है। हम थोड़ा सा स्पैचुला लेंगे, इस ऑयल को स्प्रेड आउट करेंगे अच्छे से और देन थोड़ा सा स्टेशन को क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। हमने रॉकेट लीव यूज़ करने, रॉकेट को मैं निकाल के बाहर रख लेता हूँ, ठीक है। साथ ही हम बंस इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपने बेस बन पे क्या करना है, आपने रखना है रॉकेट, ठीक है। हमें रॉकेट रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। स्टेम उसकी अगर मोटी है तो वाला आप निकाल के साइड पे करेंगे। देन व्हाट यू विल डू इज यू विल कीप अ पीस ऑफ फिश। उसके बाद अब आपने इसको असेंबल करना है। सबसे पहले जाएगा फ्राइड गर्किन, फिर हम ऐड करेंगे फ्राइड ग्रीन चिलीज। इसको तो देख के मेरा अभी से मुँह में पानी आ रहा है। और फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे जो आपने सॉस बनाया है बर्गर के बन पे, और आप इसको रख देंगे, ठीक है। मैं बेस बन को ऐड करूंगा पैन के अंदर थोड़ा सा, ताकि जो नीचे की बेस की बाइट है ना थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। मैं जब बर्गर बनाता हूँ मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाता, अंदर बाहर उसको दबाता नहीं, बिकॉज हम बन कबाब नहीं बना रहे, हम बर्गर बना रहे हैं। इट नीड्स टू बी फ्रेश। बेस हो गई है एंड आवर बर्गर इज़ रेडी। अब हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, ब्रेक से आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्लेटर कैसे हमने सेट किया हुआ है। आज का क्रैकलिंग फिश बर्गर रेडी। अब क्रैकलिंग का क्या मतलब है? क्रैकलिंग का मतलब है क्रिस्पी, मगर इसमें सिर्फ फिश क्रिस्पी नहीं है, इसमें हमने जो पिकल्स इस्तेमाल किए हैं, इसको गर्किन भी कहते हैं, वो भी क्रिस्पी है। साथ साथ इसकी ग्रीन चिलीज भी क्रिस्पी हैं। एंड हमने साथ साथ एटॉमिक सॉस की एक छोटी सी रेसिपी बनाई थी, वो भी इसके अंदर एक अप नॉच फ्लेवर ऐड करेगा। टोमेटो केचप अगर आपने यूज़ करा है बेक पावर का यूज़ कीजिएगा। एंड आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। आपके साथ हमने बहुत वक्त गुजारा है, अब मैं कुछ वक्त इनके साथ गुजारूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।